भारतीय क्रिकेट टीम में इस समय कई युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों का भविष्य बर्बाद करने के पीछे बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट लग गए हैं। इन दिनों इन प्रतिभावान खिलाड़ियों में कोई तिहरा शतक लगा रहा है तो कोई दोहरा शतक लगा रहा है, फिर भी इन खिलाड़ियों को भारतीय टीम में खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अगर किसी तरह से एक खिलाड़ी भारतीय टीम में चयनित भी हो रहे हैं तो इन खिलाड़ियों को मैच खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये खिलाड़ी इस समय भारतीय टीम में भयंकर राजनीति का शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, इस समय कौन कौन से खिलाड़ियों का भविष्य बर्बाद करने के पीछे बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट लग गए हैं, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। पृथ्वी शाह ने कल रणजी मैच में मुंबई की तरफ से खेलते हुए आसाम के खिलाफ 383 गेंदों पे 379 रनों की शानदार पारी खेली। इस पारी के दौरान पृथ्वी शाह ने 49 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए। पृथ्वी शाह का यह 379 रनों का स्कोर रणजी मैचों का दूसरा सर्वोच्च स्कोर है। पृथ्वी शाह लगातार 2 सीजन से रणजी मैचों में सर्वाधिक रन बना रहे हैं और अभी हाल ही में संपन्न हुए विजय हजारे ट्रॉफी में भी पृथ्वी शाह काफी शानदार प्रदर्शन किए थे। फिर भी इस खिलाड़ी के इतने शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद भी बीसीसीआई को इसका प्रदर्शन नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस समय बीसीसीआई की आंखों पर मोतियाबिंद हो गया है। पृथ्वी शाह ने टीम इंडिया में सेलेक्ट ना होने का दर्द अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे साझा किया है। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे पृथ्वी शाह ने कहा है कि लोग मुझे कितना भी नजरअंदाज करने पर साई बाबा सब कुछ देख रहे हैं। पृथ्वी शाह की ही तरह इस समय भारतीय टीम में चयनित खिलाड़ी ईशान किशन के साथ भी बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। ईशान किशन अपने पिछले वनडे मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए दुनिया का सबसे तेज दोहरा शतक लगाए थे और इस दोहरे शतक के लगाने के बावजूद भी ईशान किशन को श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे मैचों के सीरीज में खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ईशान किशन के स्थान पर इस समय टीम इंडिया में लोकेश राहुल को खिलाया जा रहा है। लोकेश राहुल इन दिनों काफी खराब खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी इन्हें टीम में खेलने का मौका दिया जा रहा है, क्योंकि लोकेश राहुल के ऊपर बीसीसीआई और कप्तान रोहित शर्मा की बहुत बड़ी कृपा है। लोकेश राहुल भारतीय टीम में विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पे खेलते हैं और भारतीय टीम में लोकेश राहुल से अच्छा विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन भी मौजूद है और इस समय बेहतरीन फॉर्म में भी है। फिर भी टीम में ईशान किशन को नहीं खिलाया जा रहा है, क्योंकि ईशान किशन के साथ इस समय बीसीसीआई और कप्तान रोहित शर्मा राजनीति कर रहे हैं। पृथ्वी शाह और ईशान किशन बिहार राज्य से आते हैं। पृथ्वी शाह और ईशान किशन को टीम इंडिया में ना खिलाने का सबसे बड़ा कारण कहीं इनके पिछड़े राज्यों से आने का तो नहीं है? दोस्तों, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, क्रिकेट टच चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।